फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि आपको बिहार दरोगा के बारे में बताए थे कि नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यहां पे एक लाइव कॉन्फ्रेंस जो कि अभी निकल के आ रहा है, फ्रेंड्स यहां पे देख पा रहे हैं, ये जो 18 तारीख को एक नोटिस जारी किया गया था, यहां पे इम्पोर्टेंट नोटिस था कि पटना में कहां पे हम लाइव कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके लिए फ्रेंड्स सभी सभी प्रेस के लिए आवेदन था कि यहाँ पे जो ये जो है यहाँ पे आपका लाइव कॉन्फ्रेंस रखा जाएगा, इसलिए सबको वहां पे बुलाया था 25/5। यहाँ पे ये जो है जो आर्टिकल नंबर है 25/5 उसके लिए था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जो कि जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब ट्विटर पर आप आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो बिहार पुलिस का ऑफिशियल जो कि नोट पेज है, यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइव कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। लगातार बिहार पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए और जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बलों की पूर्ति करने के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 6 जून 2023 को अंतिम रूप से सिपाही के काफ़ी अधिक संख्या में कुल 21,391 पदों पर अधियाचना भेजी गई थी, जिसके क्रम में सिपाही चयन परिषद के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2023 भी निर्गत कर दिया गया है और जिसमें अब नियुक्ति की कार्रवाई की तिथि अक्टूबर में निर्धारित है, जिसके तहत उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। उसी क्रम में अब दरोगा के पदों पर भी बहुत बड़ी संख्या में नियुक्ति होने वाली है, जिसमें कि कुल 1288 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए गृह विभाग के द्वारा 13/9/23 को रोस्टर क्लीयरेंस कर दिया गया है। इस रोस्टर क्लीयरेंस के आधार पर कुल पद 1288 हैं, जिसमें से 455 महिलाएं भी शामिल होंगी और इन पदों में से 13 पद 1288 में से 13 पद खेलकूद कोटा के अंतर्गत नियुक्त होंगे। इस प्रकार से शेष 1275 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को दे दी गई है और अब सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए प्रतिभागी जो हैं उम्मीदवार हैं अपनी तैयारी शुरू करें। सिपाही पदों के 21,391 पदों पर जिन्होंने फॉर्म भरा है वो निश्चित रूप से अपनी तैयारी करें और ये सब बहाली बहुत जल्दी हम लोग पारदर्शी तरीके से पूरा करते हुए रिजल्ट देंगे, जिसके बाद इनकी जो है ट्रेनिंग सही तरीके से होकर के ये सक्रिय पुलिसिंग में अपना योगदान दें। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जैसे कि यहाँ पे जो कुल पद जो हमने इसे पिछले वीडियो में बताया था, सेम उसी प्रकार से नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे जो कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है, यहाँ पे टोटल पद जो होगा 1288 पद होगा, जिसमें से महिला का जो पद होगा 500 कुछ पद होगा महिला के लिए नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, बता दें कि ये जो है ये आवेदन जो है शीघ्र निकाला जाएगा। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो चुका है जो कि बिहार मुख्यालय की तरफ से होता है, वो हो चुका है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये भर्ती कब आएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका कोई भी नोटिफिकेशन बिहार पुलिस से या बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हम देते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग या फिर आप हमारे वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एन हेल्पिंग करके है, ठीक है, वहां से भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि BPSSC, यहाँ पे जो कि इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आना है और यहीं से नोटिफिकेशन को प्राप्त करना है। नोटिफिकेशन जो भी होगा जेन्युइन होगा यहाँ से, अगर अदर किसी यहाँ से आप नोटिफिकेशन आता है तो फ्रेंड्स वो फेक है। जब तक यहाँ तक यहाँ में नहीं आता है तब तक फ्रेंड्स वो कोई वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं बाहरी पर, सिर्फ इसी पर कर सकते हैं। देखिए ये जो बिहार पुलिस का है जो यहाँ पे ग्रीन टिक लग रहा है फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से ये बिहार कॉन्फ्रेंस जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था वो उसका हमने वीडियो आपको दिखाया। ये वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप प्रॉपर देख सकते हैं। तो आपने समझ गया होगा कि फ्रेंड्स यहां पे बहुत शीघ्र बहुत ही जल्द आपको ये दरोगा का वैकेंसी और भी फ्रेंड्स बता दें कि वहां पे स्टोनोग्राफर का भी वैकेंसी उसमें जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि किस किस के लिए पद रखा गया। अभी फिलहाल बिहार दरोगा के लिए फ्रेंड्स कन्फर्म है कि 1288 पद रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।